नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सिवनी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। रानी दुर्गावती चौक पर विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुष बच्चे आदिवासी परिधान में सुसज्जित होकर झांकी निकाली गई। वहीं महिला पुरुष बच्चे डीजे बैंड बाजे के साथ नाचते गाते महापुरुषों के जयकारे लगाते हुए पूरे नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली का समापन निजी लॉन में किया गया। वहीं मंचीय कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जो कि छोटे बच्चों के द्वारा आदिवासी लोक नृत्य की मनोमोहक प्रस्तुति दी गई। अंत में सगा समाज संगठन द्वारा SDM मैडम सिवनी को ज्ञापन दिया गया, जिसका वाचन चित्तौड़ सिंह कुशराम द्वारा किया गया, जो इस प्रकार है: दलसागर तालाब के सौंदर्यीकरण एवं ब्रिज निर्माण कार्य पूरा किया जाए एवं पेशा कानून लागू करने व सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को संशोधित करके यथावत रखने की मांग की गई, तथा सगा समाज संगठन द्वारा सभी गणमान्य जनों को बैच एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सगा समाज सामाजिक संगठन द्वारा पुलाव का वितरण भी किया गया। सिवनी से जिला रिपोर्टर राजकुमार सर्वे की रिपोर्ट।